तो नमस्कार, फिर से स्वागत है आपके हमारे खुद के चैनल राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग आजकल नए नए टाइप के माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, जो विदाउट आप पकड़ के भी इसको अपनी आवाज़ क्लियरिटी के साथ बोल सकते हो। या तो आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि पॉडकास्टिंग में, या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो आजकल, जैसे कि ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, पॉडकास्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। जब भी कोई गेमिंग यूट्यूबर होता है या कोई ऐसा यूट्यूबर जिसको ज़्यादा बोलना पड़ता हो, तो उसके लिए अपन को माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है, पर वो भी कौन सा वाला, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, जिसको आपको पकड़ना नहीं पड़ता, जो आप बस एक स्टैंड पे, स्टैटिक पोजिशन पे रख दो और वो आपकी वॉइस रिकॉर्ड करेगा, या वो आपका पूरा ही जितना भी आपने रिकॉर्ड करा वो पूरा रिकॉर्ड करेगा। और साथ ही साथ आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज अपन इसको वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक स्टैंड है, जिस स्टैंड पे अपन इसको लगा कर देखेंगे, मतलब जो एक आजकल सिंगर्स होते हैं, तो सिंगर्स को एक स्टैंड माइक चाहिए रहता है, मतलब एक स्ट्रेट माइक, तो वो सिंगर्स के लिए भी है। और अपने पास अगर आप लोग कुछ कुछ होते हैं जो गेमिंग यूट्यूबर्स भी होते हैं, तो उनको एक जगह पे लगाना होता है, तो वाला भी है अपने पास। तो अपन इसको दोनों को अलग अलग वेरियंट देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जब तक क्लियर, आप इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, D415 है कंडेंसर माइक्रोफोन ने। आप लोगों ने ये इंटरव्यू देख लिया होगा इसका, ये है अपना डिजीमोड ब्रांड का। तो अपन इसको अब खोलते हैं। अब ये देख सकते हो, मैं एकदम ब्रांड न्यू है। मैं आपको पीछे के इसके फंक्शंस भी बताता हूँ कि इसके साथ ऐसा क्या क्या फ्री आ रखा है। ये इसका साउंड कार्ड, ये है इसका कंडेंसर माइक, ये स्टैंड, ये इसकी USB केबल, ये है हेडसेट, हेडफोन, और साथ ही साथ ये है इसकी इसको जो ऑक्स केबल है, इन दोनों को कनेक्ट करने की एक केबल। ठीक है, तो अपन अब इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, जैसे अपन खोलते हैं तो ये इंटरफेस आता है, जिसमें ये आपके पास आ जाता है आपका माइक, जो कि अपन थोड़ी देर में खोलेंगे। ये आ जाता है इसका साउंड कार्ड, जिससे ये सब कंट्रोल होता है। साथ ही साथ आ जाती है ये केबल्स दो। ठीक है, और ये आ जाता है आपका कार्ड, यूज़र मैनुअल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये आपका वारंटी कार्ड, जिस कंपनी को आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो, और हमसे भी पूछ सकते हो। तो ये है इसका स्ट्रिप, जो कि आप इसको माइक को एकदम टाइट करने के लिए बांध सकते हो। तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट पार्ट में। इसको थोड़ा और ओपन करते हैं अपन, तो आ जाता है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आ जाता है, सेकेंड पार्ट में आपका निकलता है हेडफोन, ठीक है, जो अपन अभी खोलेंगे। और साथ ही साथ आ जाता है आपका स्टैंड, ये जो आप, ये स्टैंड है, अपन इसको भी खोलेंगे। ठीक है, अपन लोगों ने अभी तक इसका ओवरव्यू पढ़ लिया, अपन ने इसका ओवरव्यू देख लिया। अब आप बता देते हैं इसके प्रोडक्ट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टैंड लाया हुआ हूँ, इस स्टैंड पे अपन वो पूरा सेटअप पूरा लगाएंगे और इसको यूज़ करके देखेंगे। तो फर्स्टली आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका माइक, जो कंडेंसर माइक्रोफोन आपको पता ही होगा। तो ये आता है सबसे मेन, और ये आप लोग देख सकते हो, इतना प्यारा, इतना ब्लैक कलर में, इतना कूल लग रहा है ये देख के। ये डिजीमोर है, ये आप लोग देख सकते हो इसका लोगो, जो डिजीमोर का ब्रांड का है ये। तो ये आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हो, नीचे आपको कनेक्शन दिया हुआ है। जब आप इसको उस साउंड, जो मैंने आपको बताया साउंड कार्ड से, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ से कनेक्ट होएगा। सेकेंडली आ जाता है आपका हेडफोन, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा और थोड़ा एकदम वाइट कलर का है, तो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये दो प्रोडक्ट हो गए। थर्ड वन आ जाता है आपका ये साउंड कार्ड, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा छोटा है पर बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बहुत छोटा है पर ये सब चीज़ों से यही कनेक्ट होएगा, और इसी के थ्रू आपका पूरा ये कंडेंसर माइक्रोफोन चलता है। ठीक है, तो थर्ड ये आ जाता है। और फोर्थ आ जाता है आपका स्टैंड, जो कि मैंने, और साथ ही साथ ये एकदम वाइटल रोल प्ले करता है इस सारे चीज़ों में। तो अपन इसको फर्स्टली लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को आपको इसको लगाना भी सिखाना है और हाउ टू यूज़ करना भी सिखाना है, तो दोनों चीज़ें मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि रिव्यू में बंदे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी अंदर की चीज़ें निकाल लेंगे और बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अपन छोटी से छोटी बात भी इसकी नोटिस करेंगे। तो ये लोग आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा टाइट करना पड़ेगा आपको अपने अकॉर्डिंग, जितना आप करना चाहो। ठीक है, मैक्सिममली ये
आगे पीछे भी होता है। अगर मैं इसको गाना गा रहा हूँ मान लो, तो मैं गाना ऐसे गाऊँगा, ये लगा सकता हूँ मैं। अगर आप लोग कोई शूट वगैरह कर रहे हो, आपको सिर्फ वॉइस देनी है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हो। और ये जो दो क्लिप्स हैं, इसको आप लूज़ करोगे तो आपका माइक इसमें लग जाएगा, जैसा कि अपन लगा के भी दिखाते हैं। ये है, ये थोड़ा मोटा है इससे, तो अपन को इसको लूज़ करना पड़ेगा फिट करने के लिए। ये फिट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है फिट। इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हल्का फुल्का होता है, तो ये बैंड भी खा सकता है, तो ये बैंड ना खाए इसलिए। तो अब ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड भी कर लेगा आराम से। ये हेडफोन्स है, इसको पहन रहा हूँ मैं। और ये आ जाती है इसकी केबल्स, जो कि एक ये जो से आप XLR देख सकते हो, ये इसके नीचे लगेगा, और ये वाला जो है ये साउंड कार्ड के अंदर लगेगा। तो अपन इसको लूज़ कर देते हैं। ये आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है, आपको कैसा रखना है इसको। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया इससे। अब ये ऑक्स केबल मैं साउंड कार्ड से कनेक्ट करता हूँ। ये रहा आपका साउंड कार्ड, ठीक है, ये अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अपन इसको इससे कनेक्ट करना है, तो अपन को इसके लिए इधर ये पिन लगानी पड़ेगी। और ये दूसरी वाली इसके इधर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके रिजल्ट देखने के लिए आपको आपका एक फोन कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि USB उससे हो जाएगा, जो आपकी डेटा केबल आती है उससे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो अपन पहले उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को सब कुछ बता दिया, ये कनेक्ट करना है, इसको लगाना है, इसको कुछ पकड़ना है, इसका स्टैंड, ये इसका हेडफोन है, जो कि मैं अभी पहन लेता हूँ 2 मिनट। ठीक है, और ये इसका कार्ड है, साउंड कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको हेडफोन की पिन लगा के बता दी थी, ये लगा के बता दिया था। ये एक्स्ट्रा फ़ोन है, जो कि मैं आपको इसी के थ्रू ही आपका साउंड पूरा रिकॉर्ड होएगा, और आपकी जो आवाज़ है इसकी प्रॉपर वो इसी से ही रिकॉर्ड होगी इस फ़ोन के अंदर। तो ये दिक्कत नहीं है, ये आपको इधर लगाना है, जैसा कि मैंने आपको फंक्शन बताई दिए। इधर पीछे आप दो पॉडकास्ट के ऐसे कंडेंसर माइक लगा सकते हो। ये इसका वो हेडफोन का केबल, इधर आपकी ये केबल लग जाएगी जो आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी। इधर आप जो माइक की ऑक्स केबल होती है वो लगा सकते हो। इधर अगर आप लोगों को कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया गेमिंग यूट्यूबर जो होते हैं वो यहाँ लगाते हैं अपना सेटअप, अगर आप लोग वो कर रहे हो तो इसको इधर कर दो। अगर आप लोग फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप लोग इधर कर दो। तो अपन इसको अभी इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, ये पूरा माइक है। इस माइक को आप इस स्टैंड के साथ लगा सकते हो, इस स्टैंड को इस स्टैंड के साथ लगा सकते हो स्टैटिक मोमेंट के बाद। उसके बाद इसके थ्रू आप ये कनेक्शन इस साउंड कार्ड पे लगा सकते हो। साउंड कार्ड के साथ आप लोग साथ एक मोबाइल कनेक्शन भी कर सकते हो, जिसमें आपको आवाज़ चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप PC से कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस वायर पर सी टाइप केबल होती है वो लगाओ। और साथ ही साथ आप लोग इसमें हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हेडफोन की इधर है और इसकी जो है वो कनेक्शन भी इधर ही है। ये आप लोग देख सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने ये सारे आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना सिखा दिया। तो ये आ जाता है आपका माइक, जो कि देखने में बहुत डैशिंग लुक देता है और थोड़ा अफोर्डेबल भी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, तो हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, राजा ओझा कंपनी कोटा राजस्थान की। और अगर आप लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ऑल ओवर इंडिया में आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जैसे कि मैंने आपको ये दे रखा होगा, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिखकर मेरे से ये इस चीज़ की रिक्वायरी पूछ सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कितने का है क्या है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।